सो आज का जो टॉपिक टॉपिक है बेटा हमारे पास वो है व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखे है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर बेटा किस टाइप का सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है बेटा, किस टाइप का मिक्सचर है? तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। कह रहे हैं आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे तरह के सोल्यूशन देखते होंगे, जैसे कि लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सोल्यूशन के। लेमनेड कैसे सोल्यूशन है बेटा, लेमनेड कैसे बनता है? ये पानी और लेमन जूस से, यानी कि नींबू के रस से और पानी से मिलकर बनता है। इसी तरीके से जो सोडा वाटर है वो कैसे बनता है? तो सोडा वाटर बनता है बेटा पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लेमनेड की बात करें तो लेमनेड बनता है वाटर प्लस लेमन जूस से। तो अब वाटर भी लिक्विड है और लेमन जूस भी लिक्विड है, जबकि सोडा वाटर जो होता है वो किससे बनता है बेटा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसमें पानी तो लिक्विड है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है यहाँ पे, लिक्विड या लिक्विड से, लिक्विड या गैस से, ठीक है। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व इन इट। अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक चीज तो पक्की होती है कि उस सॉल्यूशन में दो चीजों में से एक चीज तो लिक्विड फॉर्म में ही होगी और दूसरी चीज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। जैसे कि लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल ले लो, लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया पानी प्लस शुगर, पानी प्लस शुगर, शुगर सॉलिड होती है ना, तो पानी प्लस शुगर जब होता है तो वो लिक्विड और सॉलिड से मिलकर बनता है। लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल ले ले तो ये लेमनेड हो गया, और लिक्विड एंड गैस का एग्जांपल ले ले तो सोडा वाटर हो गया, ठीक है। तो कह रहे जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, तो उसमें से एक चीज तो हमारे माइंड में पक्की होती है कि एक चीज तो लिक्विड होने ही वाली है, दूसरी चीज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। आगे क्या बोल रहे हैं, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन दैट इज अलॉयस एंड गैशियस सोल्यूशन दैट इज एयर। वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, सॉलिड और सॉलिड मिलके भी क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड और सॉलिड मिलके भी सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है अलॉयस। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड और सॉलिड ही करती है, गैस प्लस गैस भी मिलकर सॉल्यूशन बनाती है। जैसे कि एयर, हमारे एयर में देखो कितनी सारी गैसेज है, हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो होगी आपकी मेजर गैसेज। इसके अलावा छोटी छोटी और भी गैसेज हैं, आर्गन है, हीलियम है, पता नहीं कितनी सारी गैसेज है हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन बना तो हुआ है हमारा एयर जो हमारे सराउंडिंग में है। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की कैटेगरी में बता रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक चीज लिक्विड होगी और दूसरी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस में से होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉलिड और सॉलिड से भी बन सकता है, गैस और गैस से भी बन सकता है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो सॉल्यूशन होता है ना, इसके अंदर होमोजेनिटी होती है हर पर्टिकुलर लेवल पे। तो मैंने आपको बेटा बताया था इसको लास्ट क्लास में भी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे इसमें पानी है, पानी के अंदर देखो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स की फॉर्म में मैं पानी बना रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्टिकल्स है उसके। अब ये जो पार्टिकल्स है इसमें जब मैं नींबू डालता हूँ, नींबू यानी कि जो लेमन का रस होता है, जब वो मैं डालता हूँ तो वो इवनली हर पार्ट में क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इवनली हर पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके बाद जब भी आप इसको पियोगे तो आपको हर एक सिप पे सेम फ्लेवर देखने को मिलेगा, हर एक सिप पे सेम टेस्ट देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए देखो समझा रहा है, कह रहा है लेमनेड टेस्टेड द सेम थ्रू आउट। कह रहा है अगर आप लेमनेड पीते हो तो आपको पूरे लेमनेड के दौरान सेम टेस्ट ही देखने को मिलेगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो शुगर या सॉल्ट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास इसका मीनिंग। अब यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि सॉलिड और सॉलिड मिलकर भी क्या बना रहे थे बेटा, सॉल्यूशन बना रहे थे। तो उसके अंदर उसका एग्जाम्पल था अलॉयस। ये अलॉयस क्या होता है, अब यही चीज हमें यहाँ पे जाननी है। तो अलॉयस क्या होता है बेटा, देखो अलॉयस जो होता है वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनता है। अब वो दो या दो से ज्यादा चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वो या तो दोनों मेटल्स हो सकते हैं, यानी कि दो मेटल मिलके एक अलॉय बना ले, और या फिर एक मेटल हो जाए उसमें से और एक नॉन मेटल हो जाए। दोनों नॉन मेटल नहीं होंगे, दोनों नॉन मेटल नहीं होंगे, दोनों में, दोनों ही कंडीशन में कम से कम एक मेटल का होना जरूरी है। या तो दोनों ही मेटल हो जाए या एक मेटल हो जाए और एक नॉन मेटल हो जाए। तो इनका जब मिक्सचर होता है ना तो उससे बनता है अलॉयस, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसी सारी बातों को, देखो क्या लिखा है, कह रहा है अलॉयस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड।
कह रहे यहाँ पे अलॉयज जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बनते हैं या एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, और ये फिजिकली अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो फिजिकली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. और वो कह रहे हैं लेकिन स्टिल हम इसको ना मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं, हम इसको कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है, जबकि ये फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकता. मिक्सचर कहते हैं कि मैं फिजिकल सेपरेट हो सकता हूं, बट अलॉय एक ऐसा मिक्सचर है जो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकता बट फिर भी वो मिक्सचर है. तो उसका रीजन क्या बता रहे हैं, पेपर में आ सकता है बेटा कि रीजन क्या है कि अलॉय फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकता और स्टिल उसको हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं. तो उसका आंसर बता रहा है, कह रहे हैं क्योंकि जिन दो चीजों से मिलकर यह बनता है ना उनकी प्रॉपर्टी यहां पर लूज नहीं होती. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के अंदर अगर मैं शुगर मिला देता हूं तो पानी और शुगर को बेटा अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे जो शुगर होता है ना उसका फ्लेवर तो उसमें आ जाएगा लेकिन स्टिल वो जो शुगर की जो अपीयरेंस. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो अलॉयज हैं जब हम इसको बनाते हैं तो ये जिन दो मेटल से मिलके बनता है ना उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो दिखती है कि यार ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. और ये बनाने के लिए भी वेरिएबल कॉम्पोजिशन की जरूरत होती है, मतलब कि अलग अलग अमाउंट में इसकी हमें जरूरत होती है. जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे अगर मुझे ब्रास बनाना है तो यहाँ पे ये ब्रास किसका मिक्सचर है, तो इस ब्रास को बनाने के लिए 30% हमें जिंक की जरूरत होगी और 70% हमें कॉपर की जरूरत होगी, और इन दो चीजों से मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, ब्रास बन जाएगा. अब ये बनेगा जिंक और कॉपर से मिलकर, लेकिन इसमें जिंक और कॉपर की जो प्रॉपर्टी है ना वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो हमें दिखेगी अलग अलग, तो इसलिए इसको हम मिक्सचर की कैटेगरी बोलते हैं, इसको हम मान के चलो कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसको मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे कि आप इसको एग्जांपल से देखो, मैं पानी और सैंड को मिला दूं तो क्या सैंड की उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है, या सैंड मुझे दिखती रहती है तो वो मुझे दिखती भी है और उसकी प्रॉपर्टी भी खत्म नहीं होती है. तो इसलिए सैंड और वाटर जो है ना एक मिक्सचर है. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है बेटा कि ब्रास को बनाने में जिंक और कॉपर का यूज हो रहा है. अब जिंक और कॉपर का यूज तो हो रहा है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो खत्म नहीं हो जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो इस वजह से इसको हम मिक्सचर की कैटेगरी बोलते हैं, इसको हम कंपाउंड की कैटेगरी नहीं बोलते, ठीक है. जबकि ये मिक्सचर की तरह रिएक्ट नहीं करती. मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम फिजिकल सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल ये मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि जिन दो चीजों से मिलकर ये बना है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें वैसी की वैसी नजर आ रही. देन बेटा हमें क्या बता रहा है, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. क्या मतलब है इसका, इसको ध्यान से समझते हैं. तो इसमें कह रहा है आपको कि जो सॉल्यूशन है वो किन दो चीजों के मिलने से बना है बेटा. तो सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से. अब इसको इस फॉर्मूले को बेटा आप लिख लो अपने पास कहीं पे, क्योंकि ये न्यूमेरिकली भी आएगा. क्या फॉर्मूला है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. अब क्या होता है ये दो चीजें, ये सॉल्वेंट क्या है और जो सॉल्यूट क्या है. तो देखो हमने यहां पे लिखा कि मिक्सचर बनता है दो या दो से ज्यादा चीजों से. अब मान लो कि ये दो चीजों से बन रहा है तो इन दो सब्सटेंस में से जिसकी लो क्वांटिटी होगी यानी कि जो कम क्वांटिटी के साथ मतलब मिक्स हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसकी लार्ज क्वांटिटी होगी बेटा जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट. जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मैं पानी और लेमन से लेमनेड बना रहा हूं. मैं पानी और लेमन से क्या बना रहा हूं बेटा, लेमनेड बना रहा हूं यानी कि नींबू पानी बना रहा हूं. अब आप खुद सोचो, एक नींबू पानी बनाने के लिए आपको पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है या लेमन की. ऑब्वियसली पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है और लेमन की कम चाहिए होती है. तो क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है बेटा तो ये सॉल्वेंट हो गया, और क्योंकि लेमन की क्वांटिटी कम चाहिए होती है तो ये सॉल्यूट हो गया. तो एक सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है. तो पानी और लेमन में मतलब कि एमिडो से लेमनेड के अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है और लेमन की क्वांटिटी कम चाहिए होती है, तो इसलिए पानी तो हो गया आपका सॉल्वेंट और लेमन हो गया आपका सॉल्यूट. इसी तरीके से इस लेमनेड को बनाने के लिए चीनी भी चाहिए होती है, शुगर भी चाहिए होती है, और कुछ कुछ लोग तो उसको सॉल्ट भी डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा मिक्सचर बन जाए, सॉल्टी और स्वीट दोनों आ जाए फ्लेवर. तो जब दोनों में से जो भी चीज डाल लो आप, अगेन पानी की कंपैरेटिवली उसकी क्वांटिटी कम ही डलेगी. तो अब
क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम डल रही है तो अगेन शुगर भी हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और सॉल्ट भी हमारा सॉल्यूट ही हो जाएगा क्योंकि उनकी क्वांटिटी क्या डल रही है बेटा, कम डल रही है। अब ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, पेपर में इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू फॉर्म में यहां से क्वेश्चन इजिली बन सकते हैं और विद एग्जांपल्स जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो रीड करते हैं, कह रहे अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। कह रहे जो सॉल्यूशन होता है ना वो दो चीजों के दो कंपोनेंट से मिलके बनता है जिसमें से एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं देखते हैं। कह रहे द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कह रहे वो कंपोनेंट जिसके अंदर जो जो चीज इसके अंदर जाके घुलेगी, ये वो कंपोनेंट है बेटा इसके अंदर दूसरी चीज जाके डिसॉल्व होगी यानी कि घुल जाएगी, तो या फिर सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल है पानी, पानी के अंदर चीनी जाके घुलेगी और पानी जनरली ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। इसी तरीके से द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट और इस कॉल्ड सॉल्यूट। और कह रहे सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में जाके घुलेगा, सॉल्वेंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज में जाके घुलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेमन ले लो या शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, तो ये सब चीजें जो है पानी के अंदर जाके घुलेंगी तो इसको बोल दिया सॉल्वेंट और ये लेसर क्वांटिटी के अंदर होगी, मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं। तो इस पैराग्राफ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस पैराग्राफ में हमें तीन चीजें पता चल रही हैं, एक तो सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन बनता है बेटा सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, एक चीज का हमें ये पता चला। फिर हमें पता चला कि जो सॉल्वेंट है ये वो सब्सटेंस होता है या वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है, ठीक है, जैसे कि पानी। और सॉल्यूट का हमें पता चला कि सॉल्यूट जो है ये वो होता है जो लेसर क्वांटिटी के अंदर होता है यानी कि चीनी या लेमन या आपका शुगर, इस तरीके की चीज है। अब नीचे यहां पे काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं इससे रिलेटेड, तो इनको भी पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या बता रहा है, ये एग्जांपल्स याद रखने आपको स्पेशली सेकंड मंथ, सेकेंड मंथ को तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यहां पे मार्क कर लो। यहां इस सेकेंड एग्जांपल से तो 99.9% पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है सब सारे एग्जांपल को। कह रहे अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वॉटर इज अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। कह रहे अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वॉटर यानी कि पानी के अंदर जब चीनी घुल जाती है तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि सॉलिड सॉलिड हो गया शुगर इन लिक्विड यानी कि पानी, तो शुगर को पानी के अंदर घुलाया हुआ सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन में शुगर जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्यों है क्योंकि शुगर की क्वांटिटी कम है और पानी सॉल्वेंट है, क्यों, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अब ये आपको याद रख लेना बेटा, ये क्या इसका क्या है एग्जांपल है बेटा, आपने एंटीसेप्टिक के बारे में सुना हुआ है, जैसे जब हमें कभी कभार हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने की वजह से हमारे जो ना स्क्रैचेस आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्क्रैच यानी कि वो जो स्किन होती है वो सारी घिस जाती है, तो उस केस के अंदर हम ब्राउन कलर का क्या लगाते हैं बेटा, कुछ लिक्विड टाइप लगाते हैं, डेटोल की बात नहीं कर रहा हूं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं उसको, तो कुछ हम ब्राउन कलर का लिक्विड सा लगाते हैं और उसको लगाने के बाद फिर हम उसमें बैंडेजेस मतलब लगा देते हैं उस पर्टिकुलर चोट के ऊपर। तो ये जो ब्राउन कलर का जो लिक्विड है जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है ये किससे बनता है बेटा, आयोडीन इन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिलाने से बनता है। अब ये अल्कोहल आपकी पीने वाली अल्कोहल नहीं है, ठीक है, अल्कोहल के भी बड़ी सारी टाइप्स होते हैं, तो ये पीने वाला अल्कोहल नहीं है कि आपको लगे कि शायद ये ड्रिंक करने वाला है। जैसे कि अब आप खुद देखो सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर के अंदर भी तो अल्कोहल होता है, लेकिन कुछ लोग जिनको समझ नहीं होती इस चीज के बारे में तो वो बोलते हैं कि ये तो वो ड्रिंक करने वाला अल्कोहल से बना हुआ है, तो इसको मतलब वो मजाक में बोलते हैं कि इसको अगर हम पी लेंगे तो हम वैसे इम्यून हो जाएंगे, तो वो सब मजाक में होता है ऑल्दो, बट कहने का मतलब ये है कि ये वो वाला अल्कोहल नहीं है, ठीक है, जो आप सोच रहे हो। तो अब अल्कोहल के अंदर जब हम आयोडीन को मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। अब यहां से ये टर्म आपको याद रख लेनी है, पेपर में आ सकता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन और ऑप्शन दे देगा नीचे। तो टिंचर ऑफ आयोडीन किसको बोल रहे हैं बेटा, जब आयोडीन जो है अल्कोहल के अंदर जाके मिक्स हो जाती है। अब इसमें आयोडीन की क्योंकि क्वांटिटी कम होती है तो इसलिए आयोडीन को हम बोलते हैं सॉल्यूट और अल्कोहल जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आयोडीन इन अल्कोहल वाले में हो जाएगा, आयोडीन आपका सॉल्यूट हो जाएगा और अल्कोहल आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में कह रहा है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब हो गया बेटा जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, सोडा ड्रिंक पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो ये सब एरेटेड ड्रिंक्स होती है। तो लाइक सोडा वाटर
आर गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें गैस होती है और लिक्विड तो होता ही है, यानी कि पानी तो होता ही है। ठीक है, अब गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहां पे लिखा भी है, कह रहा है दीस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट। तो इसके अंदर आपको जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है इसमें आपको सॉल्यूट मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्यूट क्या था? जिसकी क्वांटिटी कम थी, यानी कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होने वाली है, और पानी जो कि लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे भी हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया जिसके अंदर हमने देख लिया कि सॉल्यूट हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉल्वेंट हो गया बेटा आपका लिक्विड, यानी कि पानी, वाटर। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा? एरेटेड ड्रिंक्स बन जाएंगे। फिर अगला आता है बेटा लास्ट एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर भी है हमारे पास बेटा, एयर भी एक एग्जाम्पल है, ये भी मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस, जिसमें गैस और गैस आपस में मिलकर बेटा यहां पे मिक्सचर बना रहे हैं। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अगेन मैंने अभी आपको बताया बेटा ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%, द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मेजर जो यहां पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना वो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसको तो हम सॉल्वेंट की कैटेगरी में डाल देंगे, और बाकी सारे जो है ना जो कि बहुत ही कम कम क्वांटिटी में 0.01% 0.03% ऐसे ही बनते हैं, मतलब 0.something% में, तो उनको हम डाल देंगे सॉल्यूट के कैटेगरी में। तो ये सारे आपके बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस हो गए। देन नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें क्या बोल रहे हैं, पहली प्रॉपर्टीज क्या आती है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये तो कोई नई बात नहीं है, ऊपर भी इसने 3-4 बारी कहीं ना कहीं बोल दिया ये चीज कि सॉल्यूशन जो है बेटा कौन सा मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्योंकि जब भी ये चीज आपस में डिसॉल्व करता है किसी भी चीज को, तो ये इवनली स्प्रेड हो जाती है हर जगह, मतलब पूरी तरीके से पूरे एनवायरमेंट में फैल जाती है। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, कितना है अप्रोक्सीमेट 10^-9 मीटर, यानी कि 1/10^9 जो है ना इसका साइज होगा। अब 1/10^9 का मतलब हो गया 1/1 के साथ 9 जीरोस लगा दो, तो इतना छोटा इसका पार्टिकल होता है। अब ये इतना छोटा बेटा कि आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, इतना ज्यादा छोटा है। देखो यहां पे लिखा भी है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका साइज जो है इतना ज्यादा छोटा है कि आप अपनी नेकेड आइज से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो इस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि अगर मान लो मैंने पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दिया, अब आपको पता ना चीनी जो है वो तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, अब एक्चुअल में उसके पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, बट क्योंकि वो साइज में इतने ज्यादा छोटे हो चुके हैं कि मैं अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकता। ठीक है, बल्कि चीनी के जो पार्टिकल्स है वो उसमें है, ये तो है नहीं कि कहीं गायब ही हो जाएंगे, वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रहेंगे तो उस पानी के अंदर ही, बट पानी के अंदर होने के बावजूद भी हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहे। और क्यों नहीं दिख रहे हैं बेटा? क्योंकि उनका साइज कितना छोटा हो चुका है, 1/10^9, इतना ज्यादा छोटा उनका साइज हो चुका है, और ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब साइज अगर आप देखो तो ये आपको यहां पे बता रहे कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। कह रहे कि अगर क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है बेटा, तो इसके अंदर जो लाइट है ना बेटा वो स्कैटर नहीं करती है, स्कैटर का मतलब है स्प्रेड नहीं होती है, वो लाइट जो ना पास हो जाती है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर पानी और चीनी मिली हुई है। अब क्योंकि इसमें चीनी के जो पार्टिकल है ना वो पूरे के पूरे डिसॉल्व हो चुके हैं और मैं अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकता, तो यहां से अगर मैं टॉर्च से लाइट पास कराऊंगा ना बेटा, जैसे कि मान लो ये मेरी टॉर्च है, एक सेकंड बेटा, सो ये मेरे पास लेट्स से टॉर्च का हो गया फ्रंट पार्ट, और यहां से लाइट आ रही है, ये देखो ये लाइट आ रही है, तो अब ये लाइट जो है ना अंदर से नहीं जाएगी, ये सीधा दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगी। ठीक है, बीच में लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब इसके बारे में बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ आ सके, अभी नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। देखो यहां पे होता क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अंदर पार्टिकल्स है बेटा, वो यहां पे डिसॉल्व हो चुके हैं पूरी तरीके से, और उनके अंदर जो उनका साइज है वो इतना ज्यादा कम होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं।
तो इस केस इसलिए जब यहां से लाइट पास होगी ना, तो वो लाइट इसके अंदर से ना जाके वो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी और अंदर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। आपको पता है ना लाइट कैसे स्प्रेड होती है? जब हमारे आसपास कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, तभी तो वो स्प्रेड होती है। अब क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स है तो सही, बट वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि उसका इस लाइट का इस पार्टिकल से कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा और ये कहीं भी इवनली स्प्रेड नहीं होने वाली, और जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट आपको सीधा एक साइड से दूसरे साइड से पास होते हुए दिख जाएगी, अंदर से नहीं जाएगी। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को रीड करते हैं। कह रहे सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो इसलिए आपको जो लाइट का पाथ है ना, जो लाइट जा रही है, वो आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखेगी। ठीक है, अगेन जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, हो सकता है अभी आप में से किसी को कंफ्यूजन हो इस चीज को लेके, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरी प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा जहां पे आप ये चीज खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि लाइट एक एंड से जा रही है और दूसरे एंड से बाहर निकल रही है और बीच में उसका कोई रिएक्शन नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, बीच में सिर्फ पानी है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बेटा दिखाऊंगा। बस अभी आप इतना याद रख लो कि यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है ना बेटा वो स्कैटर नहीं होती और एक पाथ एक जगह से दूसरी जगह से वो बाहर निकल आती है। ठीक है, बीच में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर कह रहे जो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से थे बेटा, जिसकी क्वांटिटी कम होती थी, जैसे कि चीनी या सॉल्ट वगैरह। कह रहे इन ये जो पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट पार्टिकल एक बारी पानी में मिक्स हो गए तो आप इसको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। फिल्ट्रेशन का मतलब है छानना बेटा, आप इसको छान के सेपरेट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो घुल गए, इतने छोटे हैं साइज में कि वो तो घुल गए। फिर क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट स्कैटर डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। और कह रहे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेटल डाउन भी नहीं होते। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दिया था बेटा वाटर और सैंड का, कि जो सैंड होती है वो पानी के अंदर घुलती नहीं है, वो अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना बेटा तो वो मिट्टी नीचे के बैठ जाएगी, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें तो अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो वो बैठ तो जाएगी नीचे जाके, लेकिन अपने आप ही घुलती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। जबकि सैंड के साथ तो ऐसा नहीं होता, सैंड को आप उस पानी के अंदर एक साल के लिए छोड़ दो, दस साल के लिए छोड़ दो, वो आपको वैसे ही मिलेगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीनी को एक घंटे के लिए छोड़ दो, देखो सारी चीनी घुल जाएगी, एक घंटा भी मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद उससे कम में घुल जाए। ठीक है, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम स्टेबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं।